हरियाणा हाउसिंग स्कीम करप्शन स्कैंडल, गिरफ्तारियों और पेशियों का सिलसिला शुरू। पैरागॉन सिटी के मालिक नदीम जिया के भाई और बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग सर्विसेज से गिरफ्तार पार्टनर शाहिद शफीक एहतसाब अदालत में पेश। नाक की सदा पर फाजिल जज ने मुलजिम का एक दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। शाहिद शफीक को गुज़िश्ता रोज नाब ने गिरफ्तार किया था। आशियाना हाउसिंग करप्शन पर नैब ने पंजाब हुकूमत के दावे गलत करार दे दिए। नैब का कहना है अहद चीमा ने बतौर DGLDA इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। कासा डेवलपर्स प्रोजेक्ट के हसूल के लिए अहल नहीं थे। मुलजिम अहद चीमा के अकाउंट में 31 मिलियन रुपए शरीक मुलजिम के अकाउंट से मुंतकिल हुए। साबिक DGLDA अहद चीमा की गिरफ्तारी, ब्यूरोक्रेसी खुद को बचाने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों का एसोसिएशन बनाने का फैसला। पोलिंग आज 7 Club Road GOR 1 लाहौर में हो रही है। चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब निगरानी करेंगे। बलोचिस्तान की सियासत का दरिया फिर मौजन। वजीर आला के बाद अपोजिशन लीडर की तब्दीली की कोशिशें। नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैब ने अब्दुल रहीम जारतवाल को असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए दरखास्त जमा करा दी गई। 21 अरकान असेंबली के दरखास्त पर दस्तखत मौजूद। कराची में शराय फैसल पर सरेआम फायरिंग करने वाला मुलजिम कानून के गिरफ्त से बाहर, मुकदमा भी दर्ज ना हुआ। पुलिस का कहना है मुलजिम अदनान पाशा ने मोबाइल फोन बंद कर दिया है, उसके खिलाफ सरकारी मदयत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। छापों में मुलजिम के 2 रिश्तेदारों समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार साबिक पुलिस अहलकार के कत्ल में मुलविस मुलजिम का एतराफी बयान 92 न्यूज ने हासिल कर लिया। मुलजिम ने अपने बयान में कहा है, हमें नहीं पता था कि अशरफ तनौली पुलिस अहलकार है। मोटरसाइकिल रोकने पर उसने हम पर फायरिंग की तो मैंने अशरफ तनौली को गोलियां मार दी और पिस्तौल लेकर फरार हो गया। कराची को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए सी व्यू वॉक का एहतमाम। मेयर कराची वसीम अख्तर ग्रीन सिटी वॉक के मेहमान खुसूसी। कराची से इंसाफ करो, कराची को साफ करो, वॉक के शुरका के शेम शेम के नारे। वसीम अख्तर हंसते रहे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा सैयद सरदार अहमद और किश्वर जहरा की PIB में फारूक सत्तार को मनाने की कोशिशें। फारूक सत्तार ने फिर तहफुजात का इजहार कर दिया। कहते हैं कुछ तहफुजात हैं, दूर होने के बाद ही बहादुराबाद जाएंगे, उन्हें आइन और कानून की मार मारेंगे। मासूम कलियां लुटती रही, मुलजिम पुलिस की पहुंच से दूर। 24 घंटों में ज्यादती का एक और केस सामने आ गया। दुनियापुर में 4 साल हलीमा से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज 5 साल बच्ची आसमा का ज्यादती के बाद कत्ल, 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान का एतराफ जुर्म पुलिस सराय। एबटाबाद यूनिवर्सिटी में मुतालबात के हक में एहतजाज करने वाले 23 तलबा को जामिया से निकाल दिया गया। निकाले जाने वाले तलबा का यूनिवर्सिटी में दाखिला भी बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मनपसंद तलबा को स्कॉलरशिप देने और मेरिट की धज्जियां बिखेरने पर तलबा सरापा एहतजाज है। सखर में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाबहक। मुलजिम फरार, पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी की वजह से पेश आया। जाबहक होने वालों में सादिक गिडानी, उसकी बीवी और एक रिश्तेदार खातून शामिल हैं। बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी दुबई में दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। आनजहानी अदाकारा शादी की एक तकरीब में शरीक थी। रक्स और अदाकारी की मलिका श्रीदेवी की उम्र 55 बरस थी।
घाट मकाम और गिरदो नवा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। वादी नीलम में बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी के बाद लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहेगा। That is it. What a stunning way to finish it. Straight drive against Sunil Narine. दुबई में PSL 3 का रंगारंग मेला जारी। इवेंट में आज भी दो मैचेस होंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। दूसरे मुकाबले में कराची किंग्स और पिशावर जलमी में जोड़ पड़ेगा। अल्हम्ब्रा आर्ट काउंसिल लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। दुनिया भर से स्कॉलर्स, राइटर्स और माहिरे इल्मो अदब की शिरकत। पहले रोज 5 से ज्यादा किताबों की रुनुमाई भी की गई। मदीना मुनवरा में शदीद यालाबारी, हर तरफ सफेदी बिखर गई, कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर। सऊदी अरब के दीगर कई शहरों में बारिश। रियाज, जद्दा, मक्का मुकर्मा, कसीम और दमाम की सड़कें जेरे आ। मलेशिया की रियासत पेनांग में चौथा सालाना हॉट एयर बैलून फेस्टिवल रंग बिरंगी और मुनफरिद गुब्बारों से सजे आसमान का खूबसूरत नजारा। हजारों की तादाद में सैयाह फेस्टिवल का रुख करने लगे।